आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर लोगों के डीएनए का मुद्दा उठाया है। हिमाचल के धर्मशाला में पूर्व सैनिकों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि 40,000 साल पहले से भारत के सभी लोगों का डीएनए वही है जो आज के लोगों का है। हम सभी के पूर्वज एक हैं। 40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है, ये आज का डीएनए मैपिंग कह रहा है। जैसे मीडिया कहता है डायरेक्ट या रिमोट कंट्रोल, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं। इसके अलावा मोहन भागवत ने एक और बड़ी बात कही। भागवत बोले कि संघ का सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। मीडिया में उनके संगठन को सरकार के रिमोट कंट्रोल के रूप में पेश किया जाता है, जो बिल्कुल सच नहीं। हालांकि हमारे कुछ कार्यकर्ता निश्चित रूप से सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन संघ का सरकार पर कोई कंट्रोल नहीं। विचार संघ का है, संस्कार संघ का प्रभावी है, वहां काम करने वाले मुख्य व्यक्ति वो संघ के और रहे, इतना ही संबंध है, और कोई संबंध नहीं।